10 जनवरी से फ्रंटलाइन और हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ बुजुर्गों को प्रिकॉशन या बूस्टर डोज दी जानी है। अच्छी खबर यह है कि बूस्टर डोज के लिए देश को जल्दी ही एक और विकल्प मिल सकता है, क्योंकि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की एक्सपर्ट समिति ने भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। यानी अब भारत बायोटेक अपनी नेजल वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल करेगा, साथ ही नेजल वैक्सीन के बूस्टर डोज का भी परीक्षण होगा। इसके नतीजे आने के बाद वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कम खतरनाक है, लेकिन इसका संक्रमण दर बहुत ज्यादा है। ओमिक्रॉन के केस में डेल्टा वेरिएंट जैसे अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन ओमिक्रॉन से सावधान रहने की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मारिया वॉन किरखोव ने यह जानकारी दी है। किरखोव को संक्रमित बीमारियों का विशेषज्ञ माना जाता है। कोरोना की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता मिली है। 15 साल से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 करोड़ पार हो गया है। किशोरों के टीकाकरण ने भी बुलेट रफ्तार पकड़ ली है, जिससे इस महामारी के खिलाफ लड़ने में काफी मदद मिलेगी। करीब 10 करोड़ बच्चों को लगना है वैक्सीन। मध्य प्रदेश में केवल 13 दिनों के अंदर ही दूसरी गाइडलाइन जारी की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना प्रभावित जिलों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। एमपी में जारी गाइडलाइंस के मुताबिक मकर संक्रांति पर लगने वाले मेलों पर रोक लगाई गई है, और जहां संक्रमण ज्यादा है वहां कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। देश की सुरक्षा में जुटे जवानों और उनके परिवारों के इलाज का पूरा जिम्मा अब केंद्र सरकार उठाएगी। अब ना तो इलाज के लिए पैसों की कमी होगी और ना ही अस्पतालों के बिल का टेंशन होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने सीएपीएफ के तहत आने वाले 7 बलों के जवानों और उनके परिवारों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड वितरित करने का मेगा मिशन पूरा कर लिया है। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां 24 घंटे के अंदर 26,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। राज्य में 26,538 नए संक्रमित मिले हैं, जिसमें 144 केस ओमिक्रॉन के हैं। वहीं मुंबई में भी कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां एक दिन में 15,166 कोविड के नए केस सामने आए हैं। ये पिछले साल 4 अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा केस हैं। वहीं एक दिन में 39% का उछाल है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना विस्फोट हुआ है, जहां एक दिन में कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा करीब 2 गुना हो गया है। दिल्ली में एक दिन में आए कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में रिकॉर्ड 10,665 नए केस दर्ज किए गए हैं। मंगलवार को राजधानी में 5,481 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली में संक्रमण दर फिलहाल 11.88% पर पहुंच गई है। ये 7 महीने में सबसे ज्यादा संक्रमण दर है। बंगाल में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है, जहां एक दिन में 14,022 नए केस सामने आए हैं। सबसे बुरा हाल राजधानी कोलकाता का है, जहां एक दिन में 6,000 से ज्यादा नए केस देखने को मिले हैं। इसके अलावा गुजरात में पिछले 24 घंटों में 3,350 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जहां सबसे ज्यादा 1,637 नए केस अहमदाबाद से हैं। गुजरात में 50 ओमिक्रॉन के केस दर्ज किए गए हैं, जहां ओमिक्रॉन की संख्या 204 तक पहुंच गई। इसके अलावा बिहार में एक दिन में कोरोना के नए केस डबल हो गए हैं। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 1,659 नए केस मिले हैं। सबसे ज्यादा 1,015 मरीज पटना में मिले हैं। उत्तर प्रदेश में आज से कोरोना की नई गाइडलाइन लागू हो गई है। राज्य सरकार ने 10वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति तक के लिए बंद कर दिया है। नाइट कर्फ्यू बढ़ाकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। सिनेमा हॉल, बैंकेट हॉल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थल 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। शादी समारोह में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं होगी। खुले स्थान पर समारोह में ग्राउंड की कुल क्षमता के 50% लोगों को ही अनुमति होगी। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, जिम बंद रहेंगे। इस बीच कांग्रेस ने यूपी और उत्तराखंड में अगले 2 हफ्ते तक रैलियों पर रोक लगा दी है, जबकि 9 जनवरी की पीएम मोदी की लखनऊ रैली भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रद्द। यूपी में भी एक दिन में 2,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के एंट्री के बाद कोरोना महामारी की रफ्तार अचानक 6.3 गुना से ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश के 28 जिले ऐसे हैं जहां वीकली पॉजिटिविटी रेट में 10% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है। वहीं 43 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण की दर 5 से 10% के बीच दर्ज की गई है। इसी तरह देश भर में 29 दिसंबर 2021 को पॉजिटिविटी रेट 0.79% पर था, जो 5 जनवरी को 5.03% के स्तर पर पहुंच गया। इस तरह संक्रमण में अचानक से एक बड़ी उछाल दर्ज की गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक पर बीजेपी हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि भारत के इतिहास में पंजाब की पुण्य भूमि पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस में प्रधानमंत्री जी से घृणा करते हैं, वो आज उनकी सुरक्षा को नाकाम करने के लिए प्रयासरत थे। स्मृति ईरानी ने सवाल किया कि क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भंग किया, उन लोगों को प्रधानमंत्री की गाड़ी के पास किसने और कैसे पहुंचाया? राज्यसभा सांसद और बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि एक ऐसी घटना हुई है जो भारत के इतिहास में अभूतपूर्व है। आतंकवाद के दौर में और आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में भी इस प्रकार की सुरक्षा की चूक नहीं हुई जैसी प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ हुई। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के हाथों करारी हार के डर से पंजाब में देश के पीएम मोदी के कार्यक्रमों को विफल करने के लिए हर संभव कोशिश की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया। गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस चूक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इससे पहले गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि पीएम मोदी के कार्यक्रम और दौरे के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था। ऐसे में नियमों के मुताबिक राज्य को सुरक्षा के साथ साथ आकस्मिक योजना तैयार रखने की जरूरत थी। साथ ही आकस्मिक प्लान को देखते हुए पंजाब सरकार को सड़क मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिरोजपुर के कांग्रेस विधायक परमिंदर ने पीएम की सुरक्षा में चूक को पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी बताई है, जबकि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सफाई देते हुए कहा है कि पीएम मोदी को लौट कर जाना पड़ा, इसके लिए हमें खेद है। उन्होंने बताया कि रात को प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटा दिया गया था। चन्नी ने कहा कि हम अपने पीएम का सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री पर कोई हमला नहीं हुआ और बीजेपी के नेता इस मामले पर राजनीति न करें। सीएम चन्नी ने कहा कि मैं किसानों पर लाठियां नहीं चलवा सकता हूं। सीएम चन्नी ने कहा कि अगर इसमें कुछ है तो हम जांच कराएंगे। पीएम की सुरक्षा में चूक पर अब जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि पीएम की सुरक्षा में 10,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। सभी व्यवस्था एसपीजी और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर की गई थी। हरियाणा और राजस्थान के बीजेपी कार्यकर्ताओं की सभी बसों के लिए भी रूट बनाया गया था। सड़क मार्ग से यात्रा करना पीएम के मूल कार्यक्रम का हिस्सा ही नहीं था। पीएम की सुरक्षा मामले में आम आदमी पार्टी ने पीएम पर ही करारा हमला बोला है। संजय सिंह ने कहा है कि सम्मान देने से सम्मान मिलता है। प्रधानमंत्री जी, एक रैली रद्द होने की वजह से आप इतने गुस्से में हैं, जरा उन 750 किसान परिवारों के बारे में सोचिए जो आपके जिद की वजह से किसान आंदोलन में शहीद हो गए। 5 राज्यों में अगले 2 महीने के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख पर आज फैसला हो सकता है। आज चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक बुलाई है और इस मीटिंग में कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन से जुड़े हालात पर फैसला लिया जाएगा। इसके बाद चुनाव की तारीख घोषित कर दी जाएगी। ये मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होगी। यूपीएससी ने कोरोना महामारी के कारण मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के बाद ये फैसला किया है कि सिविल सर्विस मेन एग्जाम 2021 तय शेड्यूल पर ही होंगे। महामारी को रोकने के लिए सरकारों ने जिन प्रतिबंधों को लगाया है उनको ध्यान में रखते हुए आयोग ने राज्य सरकारों से ये सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि उम्मीदवारों और परीक्षा अधिकारियों को कोई असुविधा न हो। दिल्ली में छात्रों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए दिल्ली के 20 सरकारी स्कूलों में हेल्थ क्लिनिक खोले जाएंगे। इनमें 10 हेल्थ क्लिनिक 12 जनवरी से और बाकी 17 जनवरी से खोले जाएंगे। इनमें 30 छात्रों को अभिभावकों की सहमति लेकर जांच के लिए बुलाया जा सकता है। दिल्ली के देव और चांदनी ने अपनी जिद और जुनून से कई मासूमों की जिंदगी बदल दी है। इन दोनों ने मिलकर वॉइस ऑफ स्लम नाम की एक संस्था को खड़ा किया है और आज ये संस्था दिल्ली के उन सैकड़ों बच्चों का ड्रीम डेस्टिनेशन बनती जा रही है जो झुग्गी झोपड़ियों में अपना बचपन बिता रहे हैं। ये संस्था बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रही है और इससे अब तक 400 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड के चकराता में सीजन की पहली बर्फबारी पड़ते ही पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है, तो वहीं कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद लोखंडी में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू होते ही पर्यटकों की भीड़ लोखंडी पहुंचनी शुरू हो गई। आसमान से गिरती बर्फ और बर्फ की सफेद चादर तले ढकते हुए लोखंडी की खूबसूरती को देखकर पर्यटक काफी ज्यादा खुश हैं।
लद्दाख में भारी बर्फबारी के बाद पारा माइनस 21 तक पहुंच गया है, जिसके बाद NH1 को पूरी तरह से बंद करना पड़ा। लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाले जोजिला पास को जनवरी महीने में खुला रखकर सीमा सड़क संगठन BRO ने इतिहास रच दिया है। इस समय 0 से 27 डिग्री नीचे के तापमान में भी वाहन जोजिला पार कर श्रीनगर से लद्दाख की ओर जा रहे हैं। कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। श्रीनगर में सीजन की भारी बर्फबारी के बाद कश्मीर और लद्दाख की कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। मौसम विभाग की माने तो कल तक मौसम खराब रहने की संभावना है, जबकि 9 जनवरी से इसमें सुधार शुरू हो जाने की संभावना है। डोडा और पुंछ इलाके में भी बर्फ की मोटी चादरें जम गई हैं। उत्तराखंड में भी कई इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। चमोली में बद्रीनाथ धाम, औली समेत नीति माणा घाटी एक बार फिर जबरदस्त बर्फ की आगोश में आ चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में 1 फीट से अधिक मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है, जहां लगातार बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग की माने तो यहां आने वाले अगले 4 दिन भी भारी बर्फबारी होने वाली है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज जोहान्सबर्ग टेस्ट का 4th दिन है, जहां टीम इंडिया के सामने अफ्रीकी टीम को ऑल आउट करने की चुनौती होगी। मैच जीतने के लिए दक्षिण अफ्रीका को 122 रनों की दरकार है, जबकि उसके 8 विकेट बाकी हैं। तीसरे दिन स्टंप्स तक साउथ अफ्रीका ने 240 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 2 विकेट खोकर 118 रन बना लिए हैं। कप्तान डीन एल्गर 46 रन और रैसी वान डेर डुसेन 11 रन पर नाबाद हैं। दूसरी पारी में भारत की ओर से शार्दुल ठाकुर और अश्विन ने 1-1 विकेट झटके। इससे पहले दूसरी पारी में एक बार फिर भारत ने निराश किया। टीम इंडिया दूसरी पारी में 266 रन पर ऑल आउट हो गई। अजिंक्य रहाणे ने सबसे ज्यादा 58 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा ने 53 और हनुमा विहारी ने नाबाद 40 रनों का योगदान दिया। साउथ अफ्रीका की ओर से कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी और मार्को जेंसन ने 3-3 विकेट लिए। लैब टेस्ट के साथ ही लोग कोरोना की होम टेस्टिंग भी करवा रहे हैं। इधर कुछ दिनों से होम टेस्टिंग किट की मांग में बढ़ोतरी का ट्रेंड देखा जा रहा है। पिछले 2 साल से इन किट्स की डिमांड नहीं थी, लेकिन हाल के दिनों में मांग में तेजी से उछाल आया है। मार्केट में दवा दुकानों पर होम टेस्टिंग किट उपलब्ध है। जिन किट्स को नियामक संस्था ने मंजूरी दे दी है, वो फार्मेसी पर मिल रही है। सरकारी डेटा बताता है कि बीते कुछ दिनों में होम टेस्टिंग किट में 3 गुना का इजाफा हुआ है। लखनऊ के पास मलिहाबाद आम के लिए काफी ज्यादा मशहूर है, लेकिन इस इलाके का गांव आठ आजकल चर्चा में है। दोपहर बाद यहां महिलाओं की क्लास लगने लगी है। गांव की महिलाएं अपने काम निपटाकर पंचायत भवन पहुंच जाती हैं। सरकार के सहयोग से ज्ञान सेतु नाम की समाज सेवी संस्था ने गांव की महिलाओं को शिक्षा देने का प्रण किया है। शिक्षा ले रही महिलाओं की पढ़ाई के लिए सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। दिल्ली में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। दिल्ली में अभी तक 7 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। आज सुबह सुबह दिल्ली NCR धुंध की चादर में लिपटी हुई थी, जो अगले 24 घंटे तक जारी रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली और NCR में बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना भी बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में खुशनुमा माहौल हो चुका है। पहली बार 2 शावकों का जन्म हुआ है, जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारियों का कहना है कि 3 साल के बाकिन ने पहली बार शावकों को जन्म दिया है। पन्ना टाइगर रिजर्व में इस वक्त 20 बाघ शावक सहित करीब 70 बाघ मौजूद हैं, जो टाइगर रिजर्व में आने वाले सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। चीन में बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को बस 1 महीना बाकी बचा है और तैयारियां आखिरी दौर में पहुंच चुकी हैं। चीन के लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। ऐसे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग के ट्रेनिंग बेस और ओलंपिक विलेज का दौरा किया। शी ने खेलों की सफलता के लिए खिलाड़ियों और कर्मचारियों का प्रोत्साहन भी किया। ओमिक्रॉन के अटैक के बाद एक बार फिर से कंपनियां अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेजने लगी हैं। इन कर्मचारियों की राय जानने के लिए लोकल सर्कल ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे के नतीजों के मुताबिक 58% लोग अभी भी अपने दफ्तर में जाकर काम कर रहे हैं, जबकि 66% कर्मचारियों ने डेस्क जॉब करने वालों के लिए वर्क फ्रॉम होम का विकल्प शुरू करने की बात कही है। केवल 36% लोगों का कहना है कि उनके या उनके परिवार के नौकरी पेशा सदस्यों का ऑफिस फुली वेंटिलेटेड है।
ओमिक्रॉन के अटैक से देश के दुकानदारों का हाल बेहाल हो गया है। पहली और दूसरी लहर में जोर का झटका लगने के बाद यह सेक्टर तेजी से उभर रहा था। फेस्टिव और वेंडिंग सीजन के पीक के दौरान तो ये करीब करीब प्री कोविड लेवल पर पहुंच गया, लेकिन रिटेलर्स को राहत मिलने से पहले ही ओमिक्रॉन विलेन बनकर खड़ा हो गया। रिकवरी के रफ्तार पर ओमिक्रॉन ने एकदम से ब्रेक लगा दिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लंबे समय से कोई बदलाव नहीं हुआ है, ना तो दाम बढ़े हैं और ना ही इनमें कोई कमी आई है। हालांकि दिसंबर में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट को देखें तो अब तक पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी हो जानी चाहिए थी। नवंबर के 80.64 डॉलर प्रति बैरल के दिसंबर में कच्चे तेल के दाम घटकर 73.30 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। इस हिसाब से अभी तक पेट्रोल 8 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाना चाहिए था। क्रिप्टो करेंसी में गिरावट का दौर जारी है। बिटकॉइन, इथेरियम और टेदर समेत सभी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी के भाव में कमी देखी जा रही है। इसके बीच क्रिप्टो सुपर ऐप क्रिप्टो वायर ने देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर ने एक बयान में कहा कि सूचकांक दुनिया के प्रमुख क्रिप्टो बाजारों पर सूचीबद्ध व्यापक रूप से कारोबार वाली शीर्ष 15 क्रिप्टो करेंसी के प्रदर्शन पर नजर रखेगा और उसे मापेगा। महिला विश्व कप 2022 और न्यूजीलैंड के दौरे के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। मिथाली राज कैप्टन होंगी जबकि हरमनप्रीत कौर को उपकप्तान बनाया गया है। विश्व कप में भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान के साथ 6 मार्च को है जबकि 11 फरवरी से न्यूजीलैंड के साथ मैच खेलेगी भारत की महिला क्रिकेट टीम। कजाकिस्तान में गैस की दरें महंगी होने से भड़की जनता के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद कैबिनेट समेत पीएम का इस्तीफा। देश के राष्ट्रपति कासम जोमार्ट टोकायो ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे को स्वीकार किया है। देश के सबसे बड़े शहर अलमाटी और पश्चिमी मानगिस्ताओ में 2 हफ्ते के आपात की घोषणा की गई है। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य और महारानी एलिजाबेथ के बेटे ड्यूक ऑफ यॉर्क प्रिंस एंड्रयू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यौन शोषण के केस में सुनवाई के दौरान प्रिंस एंड्रयू के वकील की अधिकतर दलीलों को अमेरिकी जज ने खारिज कर दिया है। वर्जीनिया ज्यूफ्रे नाम की महिला ने प्रिंस एंड्रयू पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2022-23 के कार्यकाल के लिए गैर स्थायी सदस्यों के तौर पर अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और यूएई ने औपचारिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। अल्बानिया को पहली बार काउंसिल का सदस्य चुना गया है जबकि ब्राजील 11वीं बार चुना गया है। इटली के संसद ने राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान कर दिया है। 24 जनवरी को नए राष्ट्रपति के लिए इटली में मतदान होंगे। कोरोना संक्रमण के चलते 2 हफ्तों तक सीमित संख्या के बीच मतदान होंगे। इटली में 7 साल बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होता है। अमेरिका में कोरोना का विस्फोट हो गया है। एक दिन में अब तक के सबसे अधिक 10 लाख संक्रमितों की पहचान हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि रिकॉर्ड बढ़ोतरी के पीछे 95% केस ओमिक्रॉन के हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के 5 करोड़ 80 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं।